पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच कल खत्म हो गया है, जिसमें पाकिस्तान को 79 रनों से मात दी है न्यूजीलैंड ने, जबकि न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी की और काफी अच्छा उनका प्रदर्शन रहा। शुरुआत में एक विकेट गिरने के बाद केन विलियमसन और डेविड कॉनवॉय का काफी अच्छा एक पार्टनरशिप रहा, जो कि 150 रन से ज्यादा था। और फिर न्यूजीलैंड ने जब पहला विकेट जो दूसरा विकेट खोया वो काफी, उसके बाद पूरा ही उनका जो है, क्योंकि 30 ओवर में वो 160 के ऊपर पहुंच गए थे और जहां तक लग रहा था कि 300 से पार ही करेंगे न्यूजीलैंड, पर इतना ऐसा नहीं हो पाया। पाकिस्तान की अच्छी गेंदबाजी के कारण 261 रनों में न्यूजीलैंड टीम पूरी सिमट गई। और जहां तक पाकिस्तान की बात करें तो उनका प्रदर्शन, शुरुआत में 2 विकेट गिर गए 80 रन पे और काफी खराब प्रदर्शन रहा। एक बाजू विकेट गिरते रहे, बाबर आजम ने पूरी कोशिश की संभालने की पर ऐसा नहीं हुआ। जहां तक मुझे लगता है इंडिया और पाकिस्तान, ये जो दोनों टीमें हैं, ये प्रेशर अच्छे से नहीं झेल पाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो ज्यादा खेलती भी नहीं है, क्योंकि उनका नाम ही इतना रोशन है कि उनको ज्यादातर खेलने भी नहीं मिल पाता है, तो वो अपने ही देश में खेल रहे जिसे 2 पैसे और आए। जहां तक मुझे लग रहा है इंडिया काफी अच्छी है खेलने में, क्योंकि काफी खेलने भी मिलता है इंडिया को। आप अपनी राय दे सकते हैं और इस बारे में। और तीसरा वनडे जल्दी ही खेलेगी न्यूजीलैंड पाकिस्तान एक दूसरे के बीच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और जैसे मैंने एक दो वीडियोज और बनाई है प्यार के ऊपर, सुसाइड के ऊपर, कृपया वो देखें अगर आपके पास समय है। उसमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, उसका अनुभव शेयर किया है, प्यार की कहानी है। तो कृपया ज़रूर देखें समय निकाल के। धन्यवाद।